हाय दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राइट टू सेल्फ डिफेंस यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों जो है वो 96 से 106 में भारतीय दंड संहिता की जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा दी गई है, और लॉ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम पूरे भारत में होते हैं, वो किसी भी प्रांत में हों, तो उनमें इससे 2-4 क्वेश्चन आने अनिवार्य ही है। और पुलिस एसआई वगैरह में भी इससे, जैसे यूपीएसआई, एमपीएसआई वगैरह हो गए, कई जगह के एसआई जहां लोग पूछा जाता है, उसमें से जो है क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों तो हम विलंब ना करते हुए आगे के क्वेश्चन जो है देखेंगे। 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन फर्स्ट वाला जो है लेक्चर है, इसको अपन आगे चल के जो है देखते हैं। पहले प्रश्न पर अपन चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता कि किन धाराओं में प्राइवेट प्रतिरक्षा संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ये है, धारा 107 से 120 तक। तो 107 से 120 में जो है दुष्प्रेरण है, इसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 76 से 95। तो 76 से 95 तक क्षम अपराध दिए गए हैं, साधारण अपवाद का ये जो है चैप्टर है, इसमें जो है नहीं है। इसके अलावा आता है सी, धारा 121 से 133। तो ये भी जो है गलत आंसर है इन सब की जगह। इसमें भी राज्य सरकार के विरुद्ध या भारत सरकार के विरुद्ध कोई जो है हमले वगैरह का तैयारी वगैरह करता है, तो राजद्रोह वगैरह है। अब आज जो लास्ट का ऑप्शन बचता है वो है 96 से 106, और ये ऑप्शन जो है सही है, इसी में प्राइवेट प्रतिरक्षा जो है अपनी दी गई है। अब आता है क्वेश्चन नंबर दो, ऐसा कुछ भी अपराध नहीं होगा, ये मतलब क्या अपराध नहीं होगा? इनमें से जो चार चीज़ें दी गई हैं, इनमें से एक जो है अपराध नहीं है। तो यदि वह सम्मति से किया गया है, यदि वह किसी व्यक्ति के द्वारा धमकी के अंतर्गत किया गया है, यदि वह संयुक्त हो, और यदि वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किया गया हो। तो दोस्तों इसका भी आंसर जो डी सही है, कि जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया है वो अपराध नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों जो है अपराध हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यह एक केस लॉ है। यह किस बात में अब निर्धारित किया गया है कि यह निर्धारित करने के लिए कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में जो बल प्रयोग किया गया है उतनी मात्रा में वह आवश्यक था या नहीं, किसी भी मामले के तथ्यों को सोने के तराजू में तोलना युक्तियुक्त नहीं है? तो दोस्तों जैसा कि अपन जानते हैं कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में उतने ही बल का प्रयोग किया जाता है जितना अपनी हानि बचाने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अमजद खान बनाम राज्य के मामले में कहा कि जो भी व्यक्ति अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा करेगा वो नाप तोल कर नहीं मारेगा किसी व्यक्ति को, अगर थोड़ा ज़्यादा या कम भी लग जाता है तो भी उसको इसका जो है लाभ मिलेगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है दोस्तों गलत हैं। इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पर। IPC की धारा 97 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उन निर्बंधनों के अधीन है जो निहित हैं। तो धारा 97 में कहा गया है कि आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग करेंगे आप अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन एक धारा है जिसमें निर्बंधन बताएगा, तो दोस्तों वो बताएगा है धारा 99 में, वो धारा 99 सही है। धारा 99 में अपवाद बताएगा कि किन दशाओं में जो है आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का लाभ नहीं मिलेगा, ये प्रीवियस लेक्चर में अपन बता चुके हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 5, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है, मतलब ये किसको उपलब्ध है? केवल वयस्कों को, केवल उनको जो विधिपूर्ण अपराध करने को सक्षम है, लोक सेवकों को, या बिना आयु तथा सक्षमता की अपेक्षा के सभी? तो दोस्तों इसका आंसर भी जो है डी सही है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार सबको है, चाहे वो किसी भी आयु का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी पागल हो, विकृत हो, शराब पिए हो, कुछ भी किए हो, लेकिन वो क्या है जो है सभी को इसका जो है अधिकार उपलब्ध है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार निम्न में से किसे उपलब्ध है, मतलब किससे संबंधित जो है उपलब्ध है? शरीर को क्षति के संबंध में उपलब्ध है, जंगम संपत्ति को क्षति के संबंध में, स्थावर संपत्ति को क्षति के संबंध में है, उपरोक्त सभी के संबंध में। तो दोस्तों इसका आंसर भी क्या है, उपरोक्त सभी के संबंध में, क्योंकि शरीर और संपत्ति दोनों
जंगम और स्थावर यानी चल अचल दोनों प्रकार की संपत्ति की रक्षा जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा में मन कर सकते हैं, खुद के शरीर की, दूसरे के शरीर की, खुद की संपत्ति की और दूसरे की संपत्ति की। तो डी आंसर इसका जो है राइट है, बाकी ये सब जो क्या है गलत आंसर हैं। गलत आंसर इसलिए है क्योंकि ये अलग अलग में दिए गए हैं और मिला के तीनों सही हैं, इसलिए इनमें उपरोक्त सभी का ऑप्शन दिया गया है, तो उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन सही है, बाकी तीनों ये भी सही है, लेकिन क्वेश्चन परीक्षा के हिसाब से जो है अपना डी नंबर का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आता है 7, प्राइवेट डिफेंस निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है, किसके विरुद्ध उपलब्ध है? एक अपराध के विरुद्ध, अपराधी के विरुद्ध, अपराध और अपराधी दोनों के विरुद्ध और एक अभियुक्त के विरुद्ध। तो दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन जो है सही है और ये दो गलत हैं, ये दोनों सही हैं, संयुक्त रूप से सी में दिए गए हैं, इसलिए सी ऑप्शन परीक्षा की दृष्टि से जो है सही है कि अपराध के विरुद्ध भी है और अपराधी के विरुद्ध भी है, अपराध को रोकना है और अपराधी को भगाना है। आता है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8, संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है, मतलब कौन से अपराध में संपत्ति के प्रति, कई प्रकार के अपराध होते हैं, तो किस प्रकार के अपराध में संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है उपलब्ध नहीं है? तो आपराधिक न्याय भंग के अपराध के प्रति, चोरी के अपराध के प्रति, लूट के अपराध के प्रति और आपराधिक अतिचार के अपराध के प्रति। तो दोस्तों ये ऑप्शन जो है ए नंबर का सही है, इसके आपराधिक न्याय भंग में जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि अपन अपनी संपत्ति किसी व्यक्ति को दे देते हैं विश्वास में और वो जो है उसका दुरुपयोग कर देता है, तो उसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का सवाल ही पैदा नहीं होता है, बल्कि अपने घर का कोई चोरी करने आया है तो अपन को उपलब्ध है, लूट के प्रति उपलब्ध है, अतिचार के प्रति, क्योंकि ये निगेटिव टाइप में क्वेश्चन था कि क्या नहीं है, तो ए आंसर जो है इसका सही है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित अपराधों में से किसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है? तो चोरी लूट संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग और आपराधिक अतिचार, तो सी ऑप्शन जो है ये सही है, क्योंकि चोरी के विरुद्ध भी है, लूट के विरुद्ध भी है और आपराधिक अतिचार के विरुद्ध भी। आपराधिक दुर्विनियोग के प्रति इसलिए नहीं है क्योंकि आपराधिक जो दुर्विनियोग का अपराध होता है दोस्तों, हमारी जब चीज़ किसी को पड़ी मिल जाती है, मान लो हमारा पर्स गिर गया, किसी व्यक्ति को पड़ा मिल गया और वो उसको उठा लेता है और हमें बिना बताया उसका उस पैसों को खर्च कर लेता है, तो ये आपराधिक दुर्विनियोग, तो इसमें तो आपको मौका ही नहीं है प्राइवेट प्रतिरक्षा का, तो इसमें नहीं है, बाकी जो है इसलिए निगेटिव टाइप का वो था, इसलिए सी नंबर का ऑप्शन जो है सही है। अब लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है ये, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार सभी को उपलब्ध है व्यक्ति के लिंग में आयु के बावजूद सिवाय, देखो लिंग में आयु के बावजूद सभी व्यक्ति को, चाहे किसी भी लिंग के हों या किसी भी आयु के हों, सभी को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है उपलब्ध है, लेकिन 4 में से किसी एक को नहीं है, वो कौन सा है? पुलिस अधिकारी को, सशस्त्र सेना के अधिकारी को, आक्रमणकर्ताओं को और BSF के अधिकारियों को। दोस्तों ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आक्रमणकर्ताओं को जो है सही है, क्योंकि जो पहले से आक्रमण करेगा उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है नहीं मिलेगा, ये वहीं पर लिखा हुआ है उसी चैप्टर में। अगर हम किसी व्यक्ति को पहले से उकसाते हैं और फिर वो हमें मारता है तो हम प्राइवेट प्रतिरक्षा का डिफेंस जो है दोस्तों नहीं ले सकते हैं। इस तरीके से हमारे जो है 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए दोस्तों, आगे भी हम इसके आगे क्वेश्चन लेके आएंगे अगले वीडियो में और जो है इसको प्राइवेट डिफेंस को पूरा कराएंगे, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जो है नई वीडियोस देखने को मिल सके।